नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप जहां पर भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष अनेक दिव्य जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। हमारे देश में अनेक प्रकार के चमत्कारी और दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती है जो कि किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती। और ये सब वनस्पतियाँ हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है और हम सभी लोग इन वनस्पतियों को खरपतवार समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पर्ण बीज के बारे में, जिसे हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा का पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। पत्थर चट्टा के पौधों को लोग अपने घरों के आसपास इसे गमलों में लगाते हैं। पत्थर चट्टा सीधा तना हुआ लंबा और 12 महीनों तक उगने वाला पौधा होता है। इस पौधे की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है। इसके पत्ते विभिन्न प्रकार की औषधि के लिए जाने जाते हैं। इस पौधे का तना अंदर तक खोखला होता है जिसका रंग पूरी तरह से हरा या फिर लाल होता है। पत्थरचट्टा के फूल ज़्यादातर सर्दी और बसंत के मौसम में ही पैदा होते हैं। इस पौधे की खास बात यह होती है कि अगर गिल्ली मिट्टी में इसके पत्तों को लेकर के लगा दिया जाए तो नए पौधे उपज जाते हैं। पत्थर चट्टा के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। आप इस वनस्पति की सहायता से सर दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पत्थरी की समस्या है तो पत्थरी को गला करके शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हाथों पैरों में सूजन हो गई है तो सूजन को दूर कर सकते हैं। घाव हो गया है, घाव जल्दी भरता नहीं है तो घाव को ठीक कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, घाव जल्दी भरता नहीं हो तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप पत्थर चट्टा के पत्तों को सिलबट्टे की सहायता से पीस लें और हल्की आंच पर इसे गर्म कर लें और जहां पर घाव हो गया है वहां पर इसे आप रखते हैं कुछ दिन लगातार, तो घाव धीरे धीरे करके भरने लगता है और घाव ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सूजन की समस्या से परेशान हैं तो पत्थर चट्टा के पत्तों को गर्म करके सूजन वाले जगह पर बांधने से आपकी सूजन दूर हो जाती है। चाहे तो आप इसे अपने हाथ पर बांध सकते हैं या फिर पैरों में बांध सकते हैं, इससे सूजन दूर हो जाता है। इसके साथ साथ यदि मूत्र संबंधित रोग हो, मूत्र बार बार लगता हो, तो दोस्तों इसके लिए पुरुषों को इसके रस में कुछ ग्राम शहद मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। इससे मूत्र विकार काफ़ी जल्दी ठीक होता है। इसके लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके आप इसके रस को निकाल सकते हैं, साथ में आप शहद की मात्रा को मिला सकते हैं। लगातार कुछ दिनों तक लेते रहने से पेशाब संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ सिर दर्द की समस्या हो, आपका सर बार बार दर्द करता है, तो दोस्तों पत्थर चट्टा के पत्तों को पीस कर माथे पर लेप लगाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ गुर्दे की पथरी से परेशान है, अगर आप गुर्दे की पथरी को ठीक करना चाहते हैं तो पत्थर चट्टा का काढ़ा बनाकर सेवन करने से फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसका सेवन किसी जानकार वैद्य की सहायता से ही करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे पत्थर चट्टा के बारे में जानकारियाँ दिया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों।